नो नो चलो फाइव 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 लीरा फाइव लीरा के लिए हाँ फाइव वन इन फाइव लीरा हाँ ओके ये अपना जुगाड़ू ब्रेकफास्ट इस्तानबुल का ये एक ब्रेड है मतलब थोड़ा सा उस पर स्पाइस लगा हुआ है। ये हमारी लोकेशन है टैक्सिम स्क्वायर की और ये वन ऑफ दी एक्सप्लोरिंग प्लेस है इस्तानबुल में और आप देख सकते हैं कि सारी जगह पे कितने सारे पिजन्स हैं और बहुत अच्छा क्राउड है और ये पूरा एक्चुअली एरिया है जहाँ पे लोग फ्रीली बैठ सकते हैं घूम सकते हैं थोड़े बहुत खाने की डिशेज़ हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम है सुबह के 9:30 बज रहे हैं और लग रहा है कि बारिश होगी लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है धूप बिल्कुल नहीं है। गाइज ये है इस्तानबुल की फेमस ट्रैम्प। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे इस्तानबुल की ऑल थैंक्स टू दिस ट्रैम्प। आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वॉक करके भी इस्तानबुल को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है। तो कनेक्टिविटी की बात आती है और मेट्रो की बात ना मिलेगी तो अभी हम लोग मेट्रो होल्ड करने वाले टैक्सी स्क्वायर से हम लोगों को जाना है हाफिया सूफिया मेट्रो के बाद ट्रैम लेनी है ट्रैम के बाद हम लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस पे हागिया सोफिया और ब्लू मॉस दोनों साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली ब्लू मॉस पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने मेट्रो बोर्ड की थी और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ तो मेट्रो में कार्ड्स मिलते हैं एक इस्तानबुल कार्ड होता है जो हर जगह चलता है एक वैलिड मेट्रो का एक नॉन यूजेबल कार्ड मिलता है 10 पासिस का मतलब होता है कि आप लोग 10 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने 3 पासिस लिए थे एंड पेरिस थी ब्लू मॉस। यहाँ पर अगर आए हो इस्तानबुल में तो ब्लू मॉस का आना तो बनता है। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह अंदर से मैं आपको दिखाऊँगा और ये देखिए वो ब्लू मॉस का जो दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे शूज़ उतारने के लिए बोला हुआ है शूज़ सबने उतार के सबने हाथ में ले लिए और एंटर कर गए हैं ब्लू मॉस के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ब्लू मॉस। हम लोग हैं ब्लू मॉस के अंदर और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रिनोवेशन चल रही है आधे एरिया में और आधा एरिया खुला हुआ है फॉर द टूरिस्ट और ये जो पेंटिंग्स हैं ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स। तो गाइस ब्लू मॉस का हमने कवर कर लिया है। ब्लू मॉस में पूरा कंस्ट्रक्शन था तो ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें देखने के लिए बिकॉज इट वॉज ऑल कवर्ड। अब यहाँ से कनेक्टिंग है ब्लू मॉस और हागिया सोफिया। हागिया सोफिया के लिए
ये रूट है और वो सामने हागिया सोफिया है, ये भी एक मॉस्क है एंड इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। भीड़ यहाँ पर भी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बॉस्फोरस राइड करने के लिए। इसमें हम बहुत साइड्स ऑफ इस्तांबुल देखेगा, सारा इस्तांबुल साइड में कवर कर लेंगे, एशियन साइड एंड यूरोप साइड, व्हिच इज डिवाइडेड बाय द बॉस्फोरस ब्रिज। और ये पूरी लोकल मार्केट है, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स है, सारा एरिया टूरिस्ट से भरा हुआ है। जस्ट लुक, तो भाई अभी हम लोग बॉस्फोरस ट्रिप में जाने वाले हैं, फेरी के लिए, और वो हमें पूरा इस्तांबुल घुमाने वाली है पेरिफेरी से, पूरा एशियन साइड और यूरोपियन साइड, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। $20 में हमने ये बुक की है पर पर्सन, देखते हैं वर्थ होता है कि नहीं। बिल्कुल साइड में दूसरी शिप चल रही है, और ये बड़ा होटल लार्जेस्ट शिप है स्थानीय।
गाइस फाइनली हम लोगों ने बॉस्फोरस ट्रिप कर लिया है और सारे मॉस्क देख लिए हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 6 और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हम लोग एक छोटे से बड़े क्यूट से रेस्टोरेंट में रुके हैं खाने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा पुराना और ऐसी पुरानी सी वाइब दे रहा है यहाँ पे, देखिए टीवी भी यहाँ पे पुराने ज़माने का रखा हुआ है और चिकन कबाब ऑर्डर किया है। उसके बाद हम लोग अपने टैक्सिम स्क्वायर में जाएंगे और वहाँ पे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। आज का दिन हमारा अच्छा चला गया, काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। دورت عنه فندق مرمرة Sir, are you looking club ready? Night club, bro. Can I help you?